सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के नए स्पाइडरमैन सूट के बारे में। स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है, जो स्पाइडरमैन सूट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट सीक्वेंस में दिखाया गया था। और इस स्पाइडरमैन सूट को मोस्ट प्रोबेबली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4 में पहनेगा। इस स्पाइडरमैन सूट का फर्स्ट लुक हमें मूवी में तो देखने को मिल ही गया था, पर अब इस स्पाइडरमैन सूट का एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुआ है, जिसमें हमें यह सूट और अच्छे से देखने को मिलता है। इस सूट को मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 के अंदर अल्टीमेट स्पाइडरमैन सूट करके बुलाया जाएगा। और ये सूट एक क्लासिक स्पाइडरमैन सूट है, जहां पर हम रेड और ब्लू कलर स्कीम को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सिंबल है वो भी चेंज हो गया है, और ये स्पाइडर सिंबल अब टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन सिंबल जैसा लग रहा है। इंटरनेट पे बहुत से ऐसे रूमर्स थे कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो नया सूट होने वाला है वो सूट इंस्पिरेशन लेगा एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट से और टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन सूट से। इसके अलावा इंटरनेट पे ऐसे भी रूमर्स थे कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सूट के आगे वाले स्पाइडर सिंबल में हमें टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन सिंबल देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सूट के पीछे भी एक स्पाइडर सिंबल होगा, जो कि एंड्रू गारफील्ड के कॉस्ट्यूम का स्पाइडरमैन सिंबल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हम इस कॉस्ट्यूम के बैक को तो नहीं देख सकते हैं, पर फ्रंट को देख के आप ये अज्यूम कर सकते हो कि बेसिकली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सूट का इंस्पिरेशन टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन सूट और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सूट से आया है। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड सिर्फ एक सूट नहीं पहनेगा। स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का प्राइमरी सूट यही अल्टीमेट सूट होगा, पर इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 के अंदर हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक सिम्बियोट सूट भी एक्वायर करते हुए देख सकते हैं। अब स्पाइडरमैन 4 की मूवी कब आएगी ये कहना मुश्किल है, पर मोस्ट प्रोबेबली 2024 या लेट 2023 तक आपको स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकती है। आपके स्पाइडरमैन 4 से क्या एक्सपेक्टेशंस है ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।